दंतेवाड़ा उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अंतागढ़ टेप कांड की तर्ज पर जेसीसी के प्रत्याशी सुजीत शर्मा ने 3 ऑडियो टेप वायरल किए हैं, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला सकते हैं। इस कथित टेप में एक कांग्रेस नेता तरुण देवांगन सुजीत शर्मा को चुनाव न लड़ने के लिए धमका रहे हैं, तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी उन्हें समझा रहे हैं। इसके अलावा मोहन मरकाम का पीए भी सुजीत शर्मा से बात कर रहा है। सुजीत शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी देवती शर्मा का रिश्तेदार है। कल कांग्रेस प्रत्याशी देवती शर्मा की बेटी तुलिका शर्मा का ऑडियो टेप वायरल हुआ था, जिसमें वो बीजेपी कार्यकर्ता को जेल भेजने की धमकी देती नजर आ रही थी। और साथ में आज जनता कांग्रेस के प्रत्याशी के 3 ऑडियो सुर्खी में सामने आए हैं। इसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पर उन्हें पैसे और सम्माननीय पद का प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। जनता कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जारी 3 ऑडियो में वो मोहन मरकाम और कांग्रेस नेता तरुण देवांगन से बात करने की बात कह रहे हैं। सुजीत शर्मा के अनुसार उन्हें चुनाव न लड़ने के एवज में लगातार धमकी और दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लेकिन वे किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक ऑडियो टेप मोहन मरकाम और सुजीत शर्मा के बीच की बातचीत का भी है। नाम लोगे ना तरुण बोलोगे तो वो सामने बोलेंगे देवान भाई जी। अरे मैं तो वो जब सीएम थे तो मैं तो उनके साथ रहता था जी। आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देख लोगे ना फेसबुक में तो आपको सब पता लग जाएगा। मैंने तो आपका पूरा नाम भी नहीं मालूम सर। मेरे पास, मैं तो अभी रायपुर में बैठा हूँ जी, मेरे पास फोन आया जी। कहा तो आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो सर। कोई लाइफ बर्बाद नहीं हो रही सर, मेरी लाइफ है ही क्या जो बर्बाद होगी सर। अरे यार अभी आप सर एक बात बताइए सर, आज आप मेरे पास फोन क्यों करे सर। देखिए आप सर प्लीज सर, मैं 20,000 की लीड से जीतना चाहता जिताना चाहता हूँ, उसको 18,000 मत करो। हाँ बस इसलिए ना सर। हाँ सर इसलिए ना सर। अरे सर और हमारे साथ पंकज भदौरिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज, जिस तरह हम देखे कि ऑडियो वायरल हुआ है और साफ तौर पर सुना जा रहा है कि जो सुजीत शर्मा है उससे बातचीत की जा रही है, क्या कुछ निकलकर बात सामने आ रही है और क्या कुछ कहना है वहां पर लोगों का। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा उपचुनाव के पहले ही यहाँ पर काफी चीजें सुनने में आ रही है। यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है कि अंतागढ़ टेप कांड हुआ था, उसी तर्ज पर एक और चीज सामने आई है कि वहां पर जेसीसी के प्रत्याशी सुजीत शर्मा ने 3 ऑडियो टेप वायरल किए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल पैदा कर रहे हैं। इस कथित टेप में एक कांग्रेस नेता तरुण देवांगन सुजीत शर्मा को चुनाव न लड़ने की धमकी दे रहा है, जो भी आपने थोड़ी देर पहले सुना, यानी कि कांग्रेस नेता तरुण देवांगन सुजीत शर्मा को साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव न लड़े। इस बीच सुजीत बार बार उन्हें बोल रहा है कि मेरा कुछ है ही नहीं जो आप बिगाड़ पाओगे, इस तरह की बात की जा रही है। और साथ में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी उन्हें समझा रहे हैं। इसके अलावा मोहन मरकाम का पीए भी सुजीत शर्मा से बात कर रहा है। हमारे साथ पंकज भदौरिया जुड़ चुके हैं दंतेवाड़ा से। पंकज, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह ये ऑडियो वायरल हुआ है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है वहां की राजनीति में। बिल्कुल, दंतेवाड़ा में इस समय ये वायरल ऑडियो का एक वार टाइप का चल रहा है। दो दिन पहले ही एक कांग्रेस की जो प्रत्याशी है देवती कर्मा, उनकी बेटी तुलिका कर्मा का एक वायरल ऑडियो पूरी छत्तीसगढ़ में घूम रहा था। वैसे ये पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है और कांग्रेस के तरुण देवांगन करके नेता है, और ये जो सामने बात हो रही है ये सुजीत कर्मा एक प्रत्याशी है जो योगी जनता कांग्रेस से खड़ा हुआ है, इससे बातचीत चल रही है। इससे नामांकन वापस लेने के लिए ये लगातार बात हो रही है, और इस तरीके के वायरल ऑडियो यहाँ दंतेवाड़ा में चल रहे हैं। इसमें आप देखे होंगे कि जो तरुण देवांगन है वो जब अपनी बात बोल रहा है तो वो बार बार बता रहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के हैं और सत्ता में हैं, अगर तुम नाम वापस ले लोगे तो तुम्हें नौकरी लगवा दी जाएगी और तरह तरह के, और जो जो तुम्हारे सुप्रीमो हैं अजीत जोगी और अमित जोगी, ये 420 टाइप के प्रकरणों में इन लोगों के नाम है, इन लोगों की पार्टी को छोड़ो हमारे पार्टी में आओ, इस तरीके के मतलब लोक लुभावन प्रलोभन दे करके अपना छल दम देश चल रहा है दंतेवाड़ा के उपचुनाव में जी। जी, क्या लगता है जिस तरह हम बात करें इस तरह का ऑडियो वायरल हो रहा है, तो इसको लेकर क्या पार्टी के जो चीफ लोग हैं या बड़े नेता हैं उनका कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या इसकी कोई शिकायत भी की गई अभी तक? इसे भाजपा मुद्दा बना रही है। अभी 3 दिन पहले जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके लेकर के भी भाजपा के लोगों ने जगह जगह मतलब आरोप लगाया था कांग्रेस के ऊपर में, और जो यहाँ पर सीधी लड़ाई है वो कांग्रेस और भाजपा में है, बाकी अन्य पार्टियों की उतनी
प्रतिस्पर्धा में भागीदारी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक शुचिता होती है उसको तार तार कर रही है और खंडित कर रही है। अभी शिकायत की बात करें, शिकायत कहीं है किसी थाने में इस बात में शिकायत की गई है कि उसको दबाव बनाया जा रहा, धमकी दी जा रही है सुजीत शर्मा को? सुजीत शर्मा है, इसने बकायदा दंतेवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने इन तीनों ऑडियो का खुलासा किया और खुलासा करने के बाद में अपनी बात को रखी और ये जो इनके सुप्रीमो है ये इसको लेकर के चुनाव आयोग में जाएंगे। और चलिए पहले हमारे साथ तो पूर्व मंत्री बीजेपी के महेश गावड़ा जुड़ चुके हैं। महेश जी आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद धन्यवाद। अभी सुजीत मरकाम जो कि जेसीसी के प्रत्याशी है उन्हें देवांगन जो है फोन पर धमकी दे रहे हैं कि वो चुनाव न लड़े, जिस तरह अंतागढ़ टेपकांड मामला हुआ था ठीक उसी तर्ज पर एक और टेपकांड मामला सामने आया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए यहाँ पे जो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी सत्ता के नशे में चूर हैं और सिर्फ प्रत्याशियों को नहीं यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी को धमकी चमकी दे रहे हैं जी। लगातार जनसंपर्क उनको सब सुनने को मिल रहा है, ऊपर से जिस तरह कल सुमित कर्मा जी ने एक मीडिया सामने आके अपना सच्चाई बताया तो एक घोर निंदनीय है, जिस तरह से एक लोकतंत्र में युवा नेता सामने आ रहे हैं स्वागत करना चाहिए, ना कि धमकी दे के उनको बिठा के ऊपर से बस्तर जैसी जगह पे राजनीति में काफी अभाव है युवाओं की जी। मुझे लगता है दलित लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए भी आए हों और उस जगह पे ऐसा ना करके उनको धमकी धमकी देना मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता है। जिस तरह से यहाँ पर सीधा सीधा धमकी ऐसे नहीं देते कि उनको नामा बस लें, सीधा बोलते अगर नामा बस अंजाम ठीक नहीं होगा नस्ली केस में फंसा देंगे, इस तरह की बातें भी जो कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ पे नस्ल पर क्षेत्र है दंतेवाड़ा लोग जो राजनीति में बहुत कम आते हैं जी जी, तो मुझे लगता है कि घोर निंदनीय है और इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए। महेश जी क्या लगता है बीजेपी इस पे क्या स्टैंड लेगी, क्योंकि जिस तरह देखा जाए कि कांग्रेस का इस तरह से जो बर्ताव किया गया है सुजीत शर्मा के साथ, तो आप बीजेपी क्या कुछ कहना चाहेगी इस बारे में या क्या स्टैंड लेगी या क्या एक्शन रहेगा उनका? चुनाव समय को शिकायत करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर से आपके हम बार बार शिकायत कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की विचारधारा किस तरह कोई संज्ञान ले नहीं रहे हैं जी। उनके संरक्षण में भी यहाँ पे धमकी चमकी नहीं, प्रलोभन जनक घटनाएं साड़े पकड़े जा रहे हैं लोगों के, यहाँ पे किचन स्टेट लेके हार्ट पार्ट लेके तमाम जो काफी है वो सब सप्लाई की जा रहे हैं, तो मतलब तमाम चीज प्रलोभन काम की जा रही है। यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर रहते हुए मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है, इसलिए चुनाव से फिर शिकायत करेंगे इसके लेकर जी। चलिए देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकल कर सामने आता है इस पूरे मामले में। हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में हमारे साथ लगातार पंकज सिंह भदौरिया जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।